हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम की आरती से। तो ये शाम की आरती है, यहाँ मैंने पूजा किया था, दीपक जलाया था और ये पूरा मेरा मंदिर है, बच्चों को भी आरती दिलाई है। तो इस टाइम पे बजे हैं रात के 10:30 बज रहे हैं और बेटू बिट्टू की फरमाइश है पराठा खाने की है। देखो तो मैंने तवा रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ पराठा, क्योंकि मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आंखें भी दर्द हो रही, तो खाना खाने का मेरा मन क्या, तबीयत नहीं सही मेरी। और ये देखो रात के बज रहे हैं 10:30 होने वाले हैं, अभी हुआ नहीं 10:30, और बेटू बिट्टू खाना के लिए पराठा के लिए परेशान कर रहे हैं कि पराठा खाना। ये देखो एक बनाया, ये देखो ये अचार और पराठा इन लोगों खिला रहे हैं क्योंकि मेरी। तो चलिए बेटू बिट्टू के लिए बनाते हैं पराठा, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो मोबाइल को यहाँ रखती हूँ और यहाँ से पूरा दिखाई देगा कि मैं पराठा कैसे ओ मोबाइल गिर गया और मेरा सिर बहुत ज्यादा फटा जा रहा, कुछ करने का मन नहीं। कहते बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अपने स्वास्थ्य से पहले बच्चे हैं उसके बाद स्वास्थ्य है। तो बता, मुझे अभी नींद आ रही है, अब नींद भी नहीं आ रही और सिर लग रहा है दम उचर के बाहर चला जाएगा, आंखें लग रहा है निकल के बाहर चली जाएंगी, क्या किया जाए, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा, मजा आ नहीं रही। तो यहाँ बन रहे हैं पराठे, वो कितने बनाएंगे, सिर्फ दो पराठे बना के लोगों को खिला देंगे। देखो एक माँ के लिए माँ की ममता अलग होती, जाए भाई तबीयत खराब हो जाए जो कुछ हो, बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ता है, बच्चे अगर मांग ले तो फिर देना ही पड़ता, क्योंकि मुझे पता नहीं मम्मी भी ऐसे करती, उनकी भी तबीयत खराब रहे कुछ भी रहे, अगर हम लोगों ने कहा मम्मी ये खाना है तो तुरंत। वही हाल मेरा भी है, बच्चों के लिए बनाया रहे हैं। खाएगा खाएगा ला रहे हैं। हाँ जल्दी लेके आओ। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है रात में मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, आंखें भी दर्द हो रही थी, तो मैंने खाना नहीं खाया था और बच्चों ने कहा मुझे पराठा खाना है, तो फिर बच्चों के लिए बना दिए। हम लोग कहते हैं ना, हालात के साथ इंसान मजबूर रहता है, हालात में हर एक सिचुएशन में जी लेता है, नहीं भी अगर उसको आता तब भी इंसान, मतलब कहते ना हालात के आगे इंसान मजबूर ही हो जाता। और फिर एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दे सकती है। तो बस यही था कि मैं भी उठ के फिर मुझे बनाना ही पड़ा और ये सुबह का मॉर्निंग का ही ब्लॉग है। जैसे कि आपने देखा उधर कि मेरी दलिया वगैरह पक गई थी, इस साइड में मैंने भिंडी और रोटी ही बनाई, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी इसके वजह से मैंने नहीं बनाई है। कुछ बातें हैं जो YT पर नहीं शेयर की जा सकती हैं। और ये थी हल्दी, तो हल्दी इसमें मैं डाल रही हूँ क्योंकि लेके आई थी और इसको मैंने पैकेट में रखा नहीं था, इसको डिब्बों को मैंने मतलब साफ़ कर दिए थे और बचा कुचा था जो इसमें डाल दिए। अच्छा, बेटे को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है
बल्कि हमें तो उतना नहीं पसंद, मगर मेरे बच्चों को पसंद है। बच्चों की पसंद में अपनी पसंद ही ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे सारे काम फिनिश हो गए थे, फिर ये बेडशीट में सही करने लगी थी। और ये बेडशीट कैसी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बेडशीट हो गए 2 साल पुरानी बेडशीट है, और इसको मैंने लिया था कुंभ मेले से, और यहाँ से लेके आई थी, और थोड़ा सस्ता भी मुझे पड़ा था। और पता सबसे ख़ास बात यह है, इसकी पूरे बेड में आ जाती है, दीवान बेड में। और दूसरी बात है, इसमें धुलाई में बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो ये तकिए हैं, तकिए रख लिए हैं कूलर की साइड में, क्योंकि उधर से कूलर की हवा मिलती रहती जब सो तो अच्छे से आराम से, तो इसके लिए उस साइड में कर लिए हैं। और इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं, और आज का दिन है मंगलवार, आज की डेट है 27 जून है। और मन तो उदासी रहता है, मगर क्या किया जाए, मन के आगे नहीं, क्योंकि मन का क्या है। और कल मेरी तबीयत ख़राब थी, और कहती जब माँ कहते हैं ना, जब माँ की तबीयत ख़राब होती तो बच्चे भूखे ही, मगर एक माँ सब कुछ कर सकती है, मगर अपने बच्चों को भूखा सोने नहीं दे सकती है। इसीलिए मैं उठी और बनाई, और परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ, किसी के भी हालात हो वैसे सब सिखा हेलो दोस्तों देते हैं। तो दोस्तों देखो बिट्टू कहाँ लेटी हुई है, और वहाँ लेट के मांग रहे हैं दूध कि मुझे दूध दो दूध दो। तो चलो दोस्तों थोड़ी देर बाद, क्योंकि दीदी का फोन। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कपड़े थे उनको बाहर धूप में मैंने कहा चलो धूप भी दिखा देती हूँ। बल्कि हमारे यहाँ तो धूप ज़्यादा नहीं निकली, बदरी टाइप की छाई हुई थी। और कल बालों में शाम रात में ही काफ़ी तेल लगाए थे, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे हम लोग तेल ओल बराबर नहीं लगाते, पहले मम्मी नानी सारे लोग तेल लगाते रहते थे बालों में, अब कहाँ, बच्चों के आगे अपनी खुद की केयर नहीं हो पाती है। मम्मी पापा से सही, मम्मी से हमेशा सही सुने थे कि जब तुम खुद माँ बनोगी तो पता चलेगा, तो सही बात है, जब खुद माँ बने तो पता चलता है बच्चों को संभालना कितनी बड़ी बात होती है। और फिर इसके बाद अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो इनके जो बेटू बिट्टू के सॉक्स वगैरह हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए, मतलब धुले थे एक बार। और हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और मैंने अभी अभी ये कपड़े धुले थे तो इनको मैंने फैला दिए। ये देखो बाहर मेन रोड यहाँ से दिखती है, हमारे यहाँ से मेन और इस साइड दोनों तरह का बैक करके दिखा आसमान देखो आसमान। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आज मतलब मैंने तेल लगाया था रात में, जिसकी वजह से हेयर वाश किया है, और उसके बाद आज पहली बार ये काम किए हैं कि शैम्पू नहीं था तो मुझे साबुन से ही बाल धुलने पड़े। तो गाइस मैंने धुले हैं अभी बाल, और पता कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:00 PM। सुबह मैंने नहा लिया था, पानी नहीं आ रहा था तो फिर बाल नहीं धुले थे, और बालों में कल लगाए थे तेल तो मुझे बाल धुलना ही था। और गाइस सबसे पहले ये बता दे, आज जब मैं बाल धुलने गई तो मेरे पास शैम्पू नहीं थे, आज मैंने साबुन से बाल धुले, वो भी कौन सा कपड़ा वाले, ऐसे साबुन से साफ नहीं होते, मजबूरी था क्योंकि पानी हम डाल चुके थे, अब कौन जाता लेने के लिए, इसीलिए आज मैंने बाल धुले हैं कपड़ा वाले साबुन से धुलिए। हर दिन बराबर नहीं रहते, परिस्थिति के साथ इंसान जीना सीख लेता, तो बस मैं भी परिस्थिति के साथ जीना ही सीखी हूँ। सोचती हूँ कि पता नहीं परिस्थिति कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले जाए, तो बस पता मुझे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा, मैं जानती हूँ, एक तो ऐसे ही बाल नहीं है, जो भी हैं वो भी जा रहे हैं, आखिर कब तक इंसान वो करेगा।
इतने ज्यादा बाल खुले। इतने सारे बाल निकले। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद। आज का वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो को करती हूँ बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आजकल टेंशन कुछ ज़्यादा है, आँखों से पता चल रहा है ना, आँख के नीचे गीला हो गया, काला हो गया, क्योंकि जब टेंशन में दिमाग रहता तो कुछ काम नहीं करते। कहते ना, परिस्थिति के इंसान परिस्थिति के अनुसार से जीना सीख लेता है, तो वही हाल हमारा भी है, परिस्थिति के अनुसार से हम लोग जीना सीख लिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद। क्या, इस वीडियो को अभी यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।